सभापति महोदय, मैं एक ऐसे विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो ये दिखाता है किस प्रकार से हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को और पर्यटक स्थल को खोते जा रहे हैं। बिहार के बेगूसराय के मंझौल में लगभग 5,467 हेक्टेयर जमीन पर एक झील है जिसको कांवड़ झील कहते हैं। उसको बाद में बिहार सरकार की अधिसूचना में 6,311 हेक्टेयर किया गया, जो अपने आप में एशिया का सबसे बड़ा झील है। उसके पानी इतना अच्छा होता था कि लोग उसको देखने के लिए, उस पानी को पीने के लिए लाखों लोग वहाँ आते थे। सबसे महत्वपूर्ण विषय उसके बारे में है कि नवंबर से लेकर मार्च तक साइबेरिया के लाखों अनगिनत रंग बिरंगे पक्षियाँ आती थी और वह पर्यटन स्थल को एक आकर्षक केंद्र बना देता था। वह आज झील सूख रहा है, प्राय सूख चुका है, और उस पर कोई नज़र किसी भी सरकार की नहीं है। मैं सरकार से और मंत्रालय से अपेक्षा रखता हूँ कि उस झील को रिवाइव किया जाए और हमारे लाखों अतिथि जो साइबेरिया से आते थे उन्हें पुनः हम भारत में बुलाएं। जिन अतिथियों का एक अलग रूप होता था, वे रंग बिरंगे पक्षी इस प्रकार का सौंदर्य देते थे और ऐसा लगता था जैसे उनका सेकेंड होम भारत हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और बिहार सरकार तीनों मिलकर उस झील को अविलंब रिवाइव करेंगे, जिससे कि हमारा वह पर्यटक स्थल बचा रहे और एक धरोहर जो लगभग 700 साल पुराना झील है वह आज वर्तमान का विषय बने, भविष्य के लिए बने और पीढ़ियों के लिए वह एक याद के रूप में नहीं बल्कि वर्तमान के रूप में रहे। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं एक ऐसे विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो ये दिखाता है किस प्रकार से हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को और पर्यटक स्थल को खोते जा रहे हैं। बिहार के बेगूसराय के मंझौल में लगभग 5,467 हेक्टेयर जमीन पर एक झील है जिसको कांवड़ झील कहते हैं। उसको बाद में बिहार सरकार की अधिसूचना में 6,311 हेक्टेयर किया गया, जो अपने आप में एशिया का सबसे बड़ा झील है। उसके पानी इतना अच्छा होता था कि लोग उसको देखने के लिए, उस पानी को पीने के लिए लाखों लोग वहाँ आते थे। सबसे महत्वपूर्ण विषय उसके बारे में है कि नवंबर से लेकर मार्च तक साइबेरिया के लाखों अनगिनत रंग बिरंगे पक्षियाँ आती थी और वह पर्यटन स्थल को एक आकर्षक केंद्र बना देता था। वह आज झील सूख रहा है, प्राय सूख चुका है, और उस पर कोई नज़र किसी भी सरकार की नहीं है। मैं सरकार से और मंत्रालय से अपेक्षा रखता हूँ कि उस झील को रिवाइव किया जाए और हमारे लाखों अतिथि जो साइबेरिया से आते थे उन्हें पुनः हम भारत में बुलाएं। जिन अतिथियों का एक अलग रूप होता था, वे रंग बिरंगे पक्षी इस प्रकार का सौंदर्य देते थे और ऐसा लगता था जैसे उनका सेकेंड होम भारत हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और बिहार सरकार तीनों मिलकर उस झील को अविलंब रिवाइव करेंगे, जिससे कि हमारा वह पर्यटक स्थल बचा रहे और एक धरोहर जो लगभग 700 साल पुराना झील है वह आज वर्तमान का विषय बने, भविष्य के लिए बने और पीढ़ियों के लिए वह एक याद के रूप में नहीं बल्कि वर्तमान के रूप में रहे। धन्यवाद।